कांकेर जिले में स्थित किशोर थाना क्षेत्र के कड़मे गांव में घने जंगलों में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस दौरान डीआरजी पुलिस और बीएसएफ की 81वीं बटालियन के जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने घटना स्थल से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। बस्तर IGP सुंदर राज ने मीडिया को बताया है कि मारे गए दो नक्सलियों में एक की पहचान DBC सदस्य दर्शन पड्डा के रूप में की गई है, जो कि प्रतापपुर एरिया कमेटी का सदस्य भी है और उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी का सदस्य भी बताया जा रहा है। उसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था, जबकि एक और नक्सली नागेश सलाम स्मॉल एक्शन टीम का कमांडर था, जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। नागेश जिस घटना को अंजाम देना चाह रहा था उस जगह रेकी करवाता था। कांकेर SP सलभ सुन्हा ने बताया है कि जिले में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना सिक्सोल के अंतर्गत मिट्टा बोतरी और कड़मे के बीच के जंगल में प्रदापुर एरिया कमेटी माओवादियों की उपस्थिति के सूचना पर DRG BSF एवं जिला पुलिस बल का टीम ऑपरेशन के लिए रवाना की गई थी। ऑपरेशन के दौरान आज सुबह करीबन 3 बजे DRG टीम और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान दो माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। दर्शन पद्दा जो कि प्रतापपुर एरिया कमेटी का सचिव था एवं इस इलाके में उसकी काफ़ी पकड़ थी, संगठन नक्सली संगठन को मजबूत करने में उसका एक बड़ा हाथ रहा है और इलाके में काफ़ी दहशत भी उसका था, लोगों के बीच काफ़ी दहशत लगा था। तो